आपने मकराना और किशनगढ़ के संगमरमर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको इस खास संगमरमर से बनने वाली मूर्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस संगमरमर से उदयपुर शहर में कई आकर्षक मूर्तियां तैयार की जाती है, जिनकी डिमांड न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी है। इन्हें आकर्षक रूप से सजाया और सवारा जाता है, जिससे इनका रूप और भी निखर कर सामने आता है। उदयपुर शहर में मार्बल व्यवसाय कई ज्यादा मायनों में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ष पर्यटकों की लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। इन्हीं में से यह मार्बल खास तौर पर पसंद किया जाता है। इन मूर्तियों की डिमांड न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी रहती है। खास तौर पर उदयपुर शहर से भगवान की मूर्तियां बनवाकर मंगवाई जाती है, जिन्हें विविध रूपों और विविध डिजाइनों में तैयार किया जाता है। इसकी खासियत यह भी है कि यह पूरे तरीके से वास्तु शास्त्र के अनुसार तैयार की जाती है, जिनसे यह मूर्तियां मंदिर में स्थापित करने से इसे का पूर्ण फलित रूप भी मिलता है। सब मूर्तियाँ उदयपुर में बनती है, विशेषकर हमारे पास जो कारीगर हैं लगभग उड़ीसा से हैं और सब अपने आप में स्पेशलिस्ट है, सब पीजी है, सब पोस्ट ग्रेजुएट है जितने भी कारीगर हैं हमारे पास। तो हम लोग मूर्ति खाली मूर्ति नहीं बनाते हैं, मूर्ति को उसका जो इक्वल होता है एकदम हर पार्ट को उसके नाप तोल से बनाया जाता है, वास्तु के हिसाब से बनाया जाता है। जनरली मूर्तियों के लिए लोग बाग कहते हैं, अरे यार ये तो बहुत महंगी है या ऐसी है, उस चीज़ को करने के लिए बहुत टाइम लगता है। सस्ती मूर्तियाँ मिलती है लेकिन उनका फिर कोई मतलब नहीं है, वो खाली एक नाम की मूर्ति रह जाती है कि ये मूर्ति है हमारे पास, लेकिन जो फलित मूर्तियाँ होती है जिसके लिए हम लोग जितनी पूजा आराधना करते हैं वो मूर्तियाँ नाप तोल से बनेगी तो ही मूर्तियाँ काम की है। अदरवाइज वो मूर्तियाँ किसी हम श्रद्धा से रखते हैं, भगवान सबका अच्छा ही करता है, लेकिन रखनी चाहिए नाप तोल वाली मूर्तियाँ। क्या कुछ खासियत रहती है अपने यहाँ की खास मूर्ति? खास मूर्ति में जनरली हमारे पास जैन मूर्तियाँ काफ़ी हम लोग बनाते हैं और वैष्णव मूर्तियाँ भी बनाते हैं, लेकिन जैन मूर्तियों में हमारा खास थोड़ा सा स्पेशलाइज बताते हुए इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर देता है, अपने आत्मा से उस मूर्ति में चला जाता है वो, तो फलित मूर्तियाँ इसी तरीके से कही जाती हैं। कैसी डिमांड रहती है अगर बात की जाए तो? एक्चुअली इनकी डिमांड तो इतनी है कि हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते, जैसा कि आपको पता है आजकल मैन पावर बहुत कम हो गया है, इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा उसको फुलफिल कर ही नहीं पा रहे हैं आजकल। फिर भी हम कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं खुद स्कल्प्टर हूँ, मैं खुद मूर्तियाँ बनाता हूँ, तो हम लोग कॉन्फिडेंटली कोई चीज़ को अगर हाथ में लेते हैं तो उसको हम पूरा करते हैं।